नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़े पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ ये वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसका प्रूफ मेरे पास सिर्फ मेरे लाइव सेशंस में मिलता है, जो अब होते हैं 9:15 में सुबह। जैसे ही मार्केट खुलती है हम लाइव बैठे होते हैं आपके साथ में। बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, अपने स्टॉक्स पूछते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम बॉटम पे पिक करते हैं, निफ्टी को बॉटम पे पिक करते हैं। बॉटम मतलब रियल बॉटम गाइस, उसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे लाइव सेशन को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिसकी क्लिपिंग भी इस वीडियो के मैं एंड पे डालने वाला हूं। तो प्लीज एंड में जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको लगे कि हाँ ब्लफ नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपना स्टॉक पूछना, कहीं फंसे हुए हैं, निफ्टी का एनालिसिस करना है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना है, मार्केट का व्यू लेना है, तो अगर अपना व्यू मेरे व्यू से मैच करना चाहते हैं, आप उस पे व्यू पे ट्रस्ट करते हैं, तो सुबह 9:15 पे डेली लाइव सेशन होता है डेली। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, सोशल मीडिया पे हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करते हैं, जहां पे आपको नोटिफिकेशन डेली आएगी कि हाँ हमारा लाइव सेशन 9:15 पे हो रहा है डेली। आपको लिंक मिल जाया करेगा, तो खाली लिंक क्लिक करना है। ट्रैवल कर रहे हैं, रस्ते में, बस में, मेट्रो में, ऑफिस पहुंचने वाले हैं, तो आप प्लीज उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और पैसा लगाया है तो बाजार का कंक्रीट व्यू अगर आपको मिल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं होती। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज बाजार कैसा चला, क्यों चला और कल बाजार कैसा हो सकता है। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, दिस इज अ व्यू जस्ट फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस, तो प्लीज अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर में, जहां हम बहुत ही बहुत क्लियर थे लेवल्स कुछ मार्क किए गाइस मैंने। सुबह 9:15 पे ही हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ जिस टाइम 16,955 के आसपास निफ्टी चल रही थी, रनिंग कमेंट्री मेरी चालू थी कि हाँ यहाँ पे बाजार का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बाजार में निफ्टी को 17,025 को टच करना ही चाहिए। गाइस 9:15 पे मैंने आपको ये कहना स्टार्ट किया था कि 16,900 के नीचे बाजार नहीं जाएगा, 950 के ऊपर बाजार रहेगा, 17,025 टच करेगा। मेरा पूरा क्लियर अनुमान था 17,025 टच करेगा, प्योरली ओनली बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। बाजार ने हिट किया 17,050, 25 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिले। उसके बाद बाजार फिर से नीचे आया, मैं कह के गया था, सिर्फ 1.5 घंटे का सेशन आज मैंने किया था, 10:30 के आसपास छोड़ दिया था और बोल दिया था कि अब 950 और 17,000 की रेंज में ही बाजार रहने वाला है। पूरे दिन वहीं रहा और उसके बाजार नीचे आया भी 16,800 के आसपास में आया, जहां हम क्लियर थे कि 16,800 के आसपास में एक पैनिक बॉटम बनेगा, वहां पे वापस रिकवरी आएगी, फिर से 950 के ऊपर बाजार बंद होना चाहिए। वहीं एग्जैक्टली वैसा ही बंद हुआ है। और निफ्टी को अगर हम अपने टीटीसी से कंफर्म करें तो लेवल हमारे पास निफ्टी के लेवल्स भी बहुत ही गजब थे टीटीसी के, कि अगर 16,900 के आसपास बाजार जाता है, 16,900 के नीचे हम बाजार मिलता है तो हम बाय करेंगे और 17,030 के ऊपर बाजार को जरूर लेके आएंगे। तो दिस वॉज दी रेंज विच वर ट्रेडिंग टुडे और इसी रेंज में हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। दूसरी चीज रही बैंक निफ्टी की, जहां हमने कहा था कि 36,000 के ऊपर चलेगी तो फिर हमें इसमें प्ले करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने कहा था सर बैंक निफ्टी बाय कर रहा हूं, तो मैंने पूछा था आप बाय कर रहे हो बता रहे हो, उसने कहा था मैं बता रहा हूं, मैंने ठीक है वेल डन। 36,000 के ऊपर में अगर चलते हैं बाजार तो सही होगा। तो वहीं हमारे टीटीसी की कंफर्मेशन भी बहुत ही क्लियर थी कि बैंक निफ्टी में अगर 36,000 के ऊपर निकलता है बाजार, 35,900 को रखता है ऑप्शन चेन, हमने डिस्कस किया था, और उसके ऊपर में 36,100-36,290 तक के टारगेट हमारे पास में थे, जहां पे बैंक निफ्टी ने 36,265 का हाई हिट किया गाइस, 290 हिट नहीं किया पर 36,264 का टच जरूर हुआ है। अगला स्टॉक जो हमने बहुत ही क्लियर बॉटम पे हमने लाइव सेशन में पकड़ा था वो था 1554 पे इंफोसिस। एग्जैक्ट 1554 पे इंफोसिस हमने कहा था कि हाँ ये पहला टारगेट मैंने मार्क तक करके देखा था, आप उस प्रूफ को देख सकते हैं कि पहला टारगेट 1565 के आसपास दिखाई दे रहा है, दूसरा टारगेट 1569 के आसपास में मैंने लाइंस मार्क की थी वहां पे, वो वीडियो पे प्रूफ अवेलेबल है, आज ही का वीडियो है और इस वीडियो एंड पे वो क्लिपिंग आपको मिल जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1571 का एग्जैक्ट इंफोसिस ने हाई लगाया गाइस। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है, जो टीम का नंबर है, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस के बारे में डिटेल ले सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही होती है, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन का जो मजा है, जो सीखने सिखाने का मजा है, वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो यहाँ गाइस अगर मैं कल के व्यू की बात करने की कोशिश करूँ तो निफ्टी अभी बाजार जिस पैनिक सेलिंग में है वो इंटरेस्ट रेट्स को लेके है, यूएस मार्केट्स को लेके है, बाजार में ग्लोबल सिनेरियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो बाजार कहीं ना कहीं प्रेशर में बना ही हुआ है। तो यहाँ पे फिर से अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी अभी भी दबाव में रहेगा जब तक वो 17,100 के ऊपर नहीं चलता है। 17,050 का तो लेवल एक रेजिस्टेंस बन ही गया है, क्योंकि अगर निफ्टी को देखें तो एक लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न को निफ्टी ने फॉलो किया है और ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश तो यहां पे भी निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दिया आज पूरे दिन इंट्राडे के अंदर में। बट एक जो चीज हमको दिखाई देती है वो ये है कि अगर मान लीजिए बाजार में ये गैप हमें दिखाई दे रहा है, ये गैप था जो बाजार में एक बना हुआ है और ये दूसरा गैप है, तो 17,160-150 के आसपास का अगर ये गैप फिल हो जाता है तो इसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमें एक पुल बैक आ सकता है 17,300 तक के लेवल्स को, जो हमें टीटीसी के ऊपर भी दिखाई देते हैं आप देखिएगा। तो अगर यहां पे 17,161 के ऊपर बाजार चलता है तो एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा कहां तक के लिए, 17,290-17,400 तक के लेवल
लेवल में वो बाजार देखने को हमें मिल सकता है, और इसमें कोई शक नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप फिल होने के लिए मार्केट यहाँ आएगी। और यहाँ पे जो हाई था वो जाकर 17,424 के आसपास का ही आई था, बाजार इस गैप को ब्रेक करने के बाद में इस हाई तक को टच कर सकती है। तो दीज गैप्स इफ दे आर फिल्ड देन वी हैव ए मोमेंटम, अदरवाइज 17,000 के नीचे जब तक बाजार है एक सेलिंग प्रेशर में ही रहने वाला है। बात अगर की जाए बैंक निफ्टी की तो 36,290 के ऊपर में हमें एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को 36,600 तक के लेवल को लेके जा सकती है। यहां भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ गैप्स जो बाजार में रहे हैं वो गैप्स फिल हो सकते हैं। जी हाँ, बाजार कभी भी गैप को छोड़ के नहीं जाता है। ये 36,600 तक के गैप है, 36,560 का पहला गैप है, और उसके बाद से अगर हम और गैप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी बाजार में गैप ही गैप दिखाई दे रहे हैं। तो ये गैप सारे फिल होंगे गाइस, बाजार कभी भी गैप छोड़ के नहीं जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये बाजार की खूबसूरती है। यहाँ पे सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट जो आज बाजार ने बनाया वो 36,000 का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बनाया, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट। आप देखिए बाजार ने कितनी ही बार निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट करने की कोशिश की, एक दो बार उसके नीचे भी गई, पर बाजार में अच्छा खासा पुलबैक आया, अच्छा खासा पुलबैक आया। इस पुलबैक को आप अगर नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो पुलबैक बहुत शार्प पुलबैक रहा है, जब भी उसने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की एक शार्प पुलबैक रहा है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ डिमांड जोन हो, यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हो, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल ने भी इस प्राइस को पुलबैक दिया था, तो यहाँ पे ये जो गैप था ये तो फिल आज हो ही गया है, अब दूसरे गैप की तैयारी। तो यहाँ पे पूरी पूरी चांसेस है बैंक निफ्टी में, दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा है। 36,200 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। यू नेवर नो रात को बाजार कैसा खुलेगा कैसा नहीं खुलेगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ग्लोबल सिनेरियो पे मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बट मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप बाजार में एक्युमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छी चीजों को डिप पे बाय कीजिए, जैसे हमने इंफोसिस को हमने आज पकड़ा और बहुत अच्छी 1550 से 1570 की 20 पॉइंट की मूव हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की मूव इंट्राडे में मिली, बहुत ही शानदार मूव रही। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं इंट्राडे में पैसा बनाना, अपनी एनालिसिस को मुझसे मैच कराना, तो प्लीज 9:15 मिलते हैं डेली बाजार में। और यस, वीडियो के अंत में जो क्लिपिंग है उसको देखना मत भूलेगा, ताकि आपको पता लगे हम लाइव सेशन में कितने मजे लेके काम करते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ गाइस, आपके लिए कैंडल सिक्स को लेके पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया है, अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो है, प्रॉपर लर्निंग वीडियो है, तो पूरा दिखेगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये बिल्कुल आसान भाषा में कैंडल सिक्स समझ में आए और कोई भी गलत ट्रेड करने से बचे। सीख के कीजिए, मजे कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो 17,000 का सपोर्ट है, उसके ऊपर बाजार आ जाना चाहिए, 17,000 के ऊपर बाजार आ जाना चाहिए। एक बार के लिए निफ्टी 17,000 के ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वेट करते हैं, क्योंकि बाजार जितना मर्जी ऑप्शन चेन के अगेंस्ट चला जाए, घूम फिर के आना ऑप्शन चेन के फेवर में ही है। बाजार अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, देयर इज एन इनएविटेबल बाउंस बैक, क्योंकि बाजार गैप से खुला है। पहली कंडीशन, अच्छे खासे गैप से खुला है, 17,170 के आसपास में क्लोजिंग थी, 16,950 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, काफ़ी लंबा गैप खुला है बाजार में। 964-980 के आसपास का पुल बैक आया था इसमें, अच्छा खासा 985 तक का पुल बैक आया था, और अभी ऑप्शन चेन क्या कह रही गाइस, बने रहे, दिस इज रियल टेस्टिंग ऑफ ऑप्शन चेन, क्योंकि डेटा अगर पलटेगा तो हम भी पलट जाएंगे, पर अभी एज ऑफ नाउ देयर आर फेयर चांसेस कि निफ्टी 17,025 तक हिट कर सकती है। वी आर एक्सपेक्टिंग 17,025 तक हिट कर सकती है, अभी 17,000 के आसपास ही बाजार इसी रेंज में घूमने वाला है, 950 और 17,000 के आसपास में यही टिका रहेगा अभी 15-20 मिनट, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी पोजिशन वैसी की वैसी है, कोई बड़ी पोजिशन चेंज होगी तो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज The power of option chain and analysis, हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाया अभी तक, है ना, हम डेटा देख रहे हैं, डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हैं। देखो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस मार्केट में 20 साल से हूँ, घूम फिर के समझ में आया कि एक्चुअल में सबसे पावर कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पावर है आपकी डेटा के अंदर में, डेटा नेवर स्पीक्स लाइंग, प्लीज से नंबर इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके प्रमोद जी, आई टेक केयर। तो वी डिस्कस, वी प्रेडिक्टेड दैट निफ्टी विल हिट अबव 17,000 and it did, it ran away from 16,950 to 17,000 within a span of just 10 minutes right in front of our eyes, hamari aankhon ke samne 16,946 se trade bhagte bhagte it touched 17,000, good 50-60 points. Swagatam Ditta, tusi great ho, thank you brother. Ronit, this is what I teach in my class yaar, right, this is what I teach. Look guys, it is moving again, 16,997, again it is going above 17,000.
I am expecting that it should touch 17,025 at least. Yes, it must touch 17,025. 70,003. Guys, this is education. This is learning. This is learning, right? इतने खराब मार्केट में, जब मार्केट में पैनिक बटन है, यूएस मार्केट डाउन है, सब डाउन है, वी आर टेकिंग ए बाय ट्रेड, वी आर टेकिंग, वी आर बाइंग 17,000-16,900 की कॉल, कैन यू एक्सपेक्ट 16,900 कॉल, 70,055 गाइस, 18, बिंगो वैन, मजा आ रहा है ना, 17,019-20, कितना लगाया, कितना हाई लगाया, 17,020.85, आई वाज एक्सपेक्टिंग 17,025, चलो कोई बात नहीं, 20 इज ओके, आई एम हैप्पी विद. अनिल कुमार, ऑप्शन चेन इज रोकिंग, यस यस, थैंक यू फारूक भाई, थैंक यू अनिल, मजा आ रहा ना. 12 कहते से 50 रुपए की पेप्सी विपुल सर सेक्सी. क्या अतरवाद शेर शायरी में लगे यार है. तो निफ्टी इज 17,025 और नॉट 17,020. चलो 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 चलो, पुश 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 गाइस, थोड़ा सा पुश और. 12% is equal to 3-year fixed deposit. Well done, Athar. This is what I want to tell you. Ki guys, stock market is all about return on investments. It is not about earning daily. Sandeep Sarkar, good morning. Stock market is not about earning daily, guys. This is all about how you can make some money. Just little money. Thoda sa paisa kaise ban sakta hai? Extra paisa kaise ban sakta hai? And once you master that, स्टॉक मार्केट कैन बी द फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम गाइस. पूरा नौकरी छोड़ के धंधा कर सकते हैं आप, ट्रेडिंग करो, ट्रेनिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, कर सकते हो, बट यू शुड लर्न स्टॉक मार्केट. दिस इज द ब्यूटी, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स. डो नॉट गेट अफ्रेड, ऑलवेज वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. 20 का यहाँ लगा और 20 का ही यहाँ लगा, यहाँ था इधर 20.85 एंड दिस वाज 20.45, ठीक है, तो लोअर हाई बेसिकली. सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ द डे. तो वी आइडेंटिफाई दिस हाई, इसको हम टॉप को हाई मार्क कर लेते हैं. एज पर द ऑप्शन चैनल आल्सो लाइक दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द डे 17,025. डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस 17,025, 17,030? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज द लेवल फ्रॉम द कैलकुलेटर. कैन यू चेक दैट? गो एंड चेक दैट. 1515, भाई वाह, भाई वाह. इन्फोसिस, इन्फोसिस, रुको भाई रुको, इन्फोसिस हम ऑप्शन चेन से पूछते हैं. इन्फोसिस क्या लग रहा है, अपने को कुछ पैसा आने वाला है क्या? कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इन्फोसिस में? 1556, 1565 तक 9 रुपए ऊपर जाएगा अभी स्टॉक ये. चलो इसी को लगा के रखते हैं. इन्फोसिस शुड हिट 1565. कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, सिर्फ लर्निंग करेंगे, ठीक है. इन्फोसिस में एक उम्मीद है इसकी और इसकी. 1555 पे चल रहा है, देखते हैं अभी. गाइस जैसे निफ्टी को देखा था, इन्फोसिस को ऑप्शन चेन देख रहे हैं. ऑप्शन चेन खोल लो गाइस, निफ्टी वाले, इन्फी वाले, क्लास वाले सब अपनी ऑप्शन चेन खोल के बैठ जाओ. इन्फोसिस चला क्या 1558, बैंग ऑन, जहां से बोलेंगे वहीं चलेगा, मजा आया, वेरी गुड. बस यही तो अपने को मजा आता है, यही तो मजा आता है जी. टाटा पावर की पोजीशंस बन रही है, बट टाटा पावर के अंदर भी एक बॉटम बन गया है दोस्तों. निफ्टी कहां चल रही है सुबह से? निफ्टी हमने कितनी बढ़िया प्रिडिक्ट किया हमने. हा, निफ्टी की 16,900 की कॉल, 225.